नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज हूँ आपको गुजराती स्वीट बनाना सिखा रही हूँ। थैंक यू अमूल वालों का, उन्होंने आज मुझे लाइव किचन में बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमूल का। आज हम आज अमूल की चीज़ उपयोग करके हम आज गुजराती स्वीट बना रहेंगे। सुखड़ी तो सर्वप्रथम हम लेंगे, हमने आप यहाँ लिया हुआ है घी, लिया हुआ है अमूल का घी, लिया हुआ है एक कटोरी, और गेहूं का आटा लिया हुआ है एक कटोरी, और एक कटोरी लिया हुआ है गुड़, और यहाँ उसके ऊपर डालने के लिए लिया हुआ है मैंने सौंफ। हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को चालू करते हैं और उसमें एक कटोरी घी डाल देते हैं। मेरा श्री कृष्ण नमकीन और स्वीट का बिजनेस है। मेरा श्री कृष्ण नमकीन और स्वीट का जो है वो मैं ओनर हूँ उसकी, और आज मैं आप ये घर बना रही हूँ मैं सुखड़ी, और मैं एक होम सेफ हूँ। मैं एक होम सेफ हूँ और आज मैं बना रही हूँ सुखड़ी श्री, और मेरी यूट्यूब पर मैं अब लाइव कुकिंग में जाने वाली हूँ, चैनल चालू करने वाली हूँ। अभी मेरा चल रहा है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ट्विटर पर मेरा तो सब कुछ हो जा रहा है। इसमें हम पहले डालेंगे एक घी, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उसके बाद हम एक कटोरी इसमें डाल, पहले गैस को एकदम स्लो कर देंगे। एक कटोरी आटा गेहूं का डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। गुजराती लोगों की प्रख्यात डिश है सुखड़ी। जब आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं बाहर जाते हो तो ट्रेन में खाने के लिए आप ले जा सकते हो। इसको आप एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हो, ये खराब नहीं होती। और अमूल की की बात कई अलग ही है। अमूल का घी इसमें डाला हुआ है और सारी अमूल की प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा गैस को हम फास्ट करेंगे, बहुत नहीं, मीडियम रखेंगे, और इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहें। जब तक इसका चेंज कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक उसको हिलाते रहना है। मेरा श्री कृष्ण नमकीन में से मैं जा बना रही हूँ, ढोकला खांडवी ये सब मेरा अच्छी तरह से बनाकर सेल हो रहा है। यहाँ मैं वैसे गुजराती हूँ और हम रहते हैं 11 साल हो गए देहरादून में हम रहते हैं। हिलाते रहते हैं तो उसकी खुशबू भी, अमूल का घी है इसलिए उसकी खुशबू तो बहुत निराली है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है इसमें।
एक कम चीज में बन जाता है, बहुत ज्यादा जरूर वस्तु की जरूरत नहीं होती इसमें। एक इसमें चाहिए गेहूं का आटा, वो भी हमारे घर में मिल जाता है, और अमूल घी, वो तो सबके घर में होता ही है, और गुड़, और उसके ऊपर थोड़ी सी डालने के लिए सौंफ होती है, और ये हेल्दी भी बहुत है। तो कहीं भी आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो तो आपके पास या वहाँ कहीं होटल का खाना नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा खाना नहीं मिलता ट्रैवल करते हो तो ये डब्बा भर के लेकर चले जाते हो, और एक दो पीस खा लिया तो कोई और भूख लगती ही नहीं है, पेट पूरा भर जाता है। मेरा श्री कृष्णा नमकीन एंड स्वीट का बिजनेस है, वो मैं ऑर्डर पर मैं सब कुछ बनाकर देती हूँ। कभी भी किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो एक दिन पहले ऑर्डर ले लेती हूँ और फिर मैं उसको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये रेसिपी कैसे बना रही हैं आप? ये पहले सबसे पहले घी को हमने गरम किया हुआ है, घी को गरम करके उसके अंदर थोड़ा सा एक कटोरी आटा यूज़ किया हुआ है, जो घर में हम यूज़ करते हैं ना रोटी के लिए, वही आटा है, वो आटा यूज़ किया है, और इस दोनों को ऐसे ऐसे हिलाकर ही देना है इसको थोड़ी देर तक, तो 10 या 15 मिनट तक तो उसको हिलाते रहते हैं, तो उसका ऐसे ऐसे करके कलर चेंज हो जाता है। देखो ये कलर चेंज हो गई ना, पहले वाइट वाला लग रहा था, अब गेहूँ का कलर थोड़ा सा बादामी हो गया, जैसे जैसे बादामी कलर हो जाता है उसको उसको और खुशबू आने लगती है तो फिर हमको उसको गैस को बंद कर देना है, ये बंद कर देना है। पहले थोड़ी सी खुशबू आ गई, अब उसका कलर चेंज भी हो गया हुआ है, तो पहले इसको हम गैस बंद कर देते हैं, और ये जो तवा है हम उसको नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतार लेते हैं, और फिर उसके बाद जो गुड़ हमने एक कटोरी लिया हुआ है उसको मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है, छोटे छोटे पीस करके रखा हुआ, ये गुड़ हम इसके अंदर सारा डाल देंगे, ये डालते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। क्या ये शीरा है? ना शीरा नहीं, ये सूखा हो जाएगा ना, शीरे जैसा ऐसा हो जाएगा, शीरा जब जैसे बनता है ना वैसे गुड़ इसमें सारा पिघल जाएगा। ऊपर रख के करते हैं तो गुड़ इसमें पिघलने से ये सुखड़ी जो है कड़क बन जाती है, इसके हिसाब से हम इसको नीचे उतार कर इसमें डाल देते हैं ना, तो कड़क नहीं होती ना, और इसको हम ऐसे ऐसे मिलाते रहते हैं। आटा कितना और घी कितना? आटा भी हमने एक कटोरी लिया हुआ है, और घी भी एक कटोरी लिया हुआ है, और गुड़ भी एक कटोरी लिया हुआ है, तीनों को ऐसे एक सेमी लिया हुआ है, फिर इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। ये देखो ऐसे हो गया है, फिर उसको हम एक प्लेट लेते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं, ऐसे हम घी लगा लेते हैं, तो क्या होता है अगर नीचे घी लगाया होता है ना तो ब्रश पे मार्फत से तो निकालने में दिक्कत नहीं आती, और ये जो हमने बनाई हुई है सुखड़ी ये सारी इसमें हम डाल देते हैं। थाली में
फैला देते हैं। लास्ट में क्या डाला आपने? लास्ट में गुड़ डाला हुआ है उसमें, उसमें गुड़ डाला हुआ है और इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे कटोरी से उसको प्लेन कर देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ये जो सौंफ आती है ना वो इसके अंदर डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और सौंफ खाने में भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे उसको डेकोरेशन के लिए भी ऐसे डाल सकते हैं और ऐसे ये बनने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऊपर आना चाहिए। क्या अमूल में होम शेफ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, मैं होम शेफ ही हूँ। ऐसे ऐसे करके और उसको 10-15 मिनट तक के लिए इसको ओवन में खींचने के लिए रख देते हैं और थोड़ा सा खींच जाता है ना तो उसके बाद हम उसको और ये जो है ऐसे ऐसे इसको पीसेस कर देते हैं हम। थोड़ा सा ठंड गर्म होता है तभी कर देते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। वैसे 1 कप आटा, 1 कप घी और 1 कप गुड़ चाहिए इसके लिए, और थोड़ी सी 2 चम्मच जितनी सौंफ चाहिए डेकोरेशन के लिए। सौंफ को भुनना पड़ेगा? नहीं, वैसे वैसे ही कच्ची डाल सकते हो, भून के भी डाल सकते हो और वैसे कच्ची भी डाल सकते हो। ये अभी खींचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैंने उसको काट के रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए। देखो पहले से ये बना कर रखा होता है, वैसे वैसे एक पीस काट के फिर ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ऐसे पीस निकल जाता है, लेकिन अभी तो ये गर्म है तो अभी थोड़ा सा पीस नहीं हो निकलेगा। मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि हमने एक कैसे बनाया हुआ है। पहले हमने एक अमूल का घी लिया हुआ है, 1 कटोरी अमूल का घी लिया हुआ है और 1 कटोरी हमने लिया हुआ है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा 1 कटोरी लिया हुआ है। पहले सबसे पहले अमूल का घी को सौंफ की जगह ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें घी और गुड़ है उससे उसकी हेल्दी तो है, तो सौंफ भी खाने थोड़ी सी इसमें आ जाती है तो खाने में भी अलग टेस्ट लगता है। काजू बादाम का ड्राई फ्रूट का तो लगता ही है, उसके अलावा ये भी लगता है। तो पहले हमने ये बनाया, 1 कटोरी घी लिया हुआ था उसके अंदर 1 कटोरी घी जब गर्म हो जाता है उसके अंदर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया हुआ है, जो घर में यूज़ करते हैं वही है, बारीक पिसा हुआ जो होता है वही, उसको हम घी के अंदर भून लेते हैं अच्छी तरह से। जब उसको भुना जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है तब हम उसमें डाल देते हैं, नीचे गैस के ऊपर बंद कर देते हैं और गैस तवा को नीचे उठा लेते हैं और उसके अंदर हम डाल देते हैं गुड़। जो हम गैस के ऊपर रख के डालते हैं गुड़ तो सुखड़ी हमारी कड़क हो जाती है, और नीचे रख देते हैं तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसके भी दांत भी नहीं होते, वो भी खा सकते हैं, इतनी सॉफ्ट मुलायम बनती है।
आप मुझे और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अमूल होम शेफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अमूल होम शेफ तो दीपा दी है, उसको बात करके, ओनर से बात करके हम होम शेफ में जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरा श्री कृष्ण नमकीन और उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर है, तो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये अमूल की चीज तो आपको पता ही होती है। थैंक यू अमूल का और सब लोगों का। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। और आप भी अपने घर पे ऐसी सुखड़ी बनाकर कहीं भी ट्रायल करने के लिए जाते हो तो ये लेकर चले जा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि घर का भी खाना मिल जाता है और हेल्दी भी होता है। तो दो पीस खा लिया तो हमारा और किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है और कुछ खाने की। गुड़ को हमें पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है, जो होता है उसको हमको पीसेस करना है, छड़ी की मदद से उसको काट लेना है, छोटा छोटा चूरो करना है उसको। आप YouTube पर भी हैं? हाँ, YouTube भी मैं। आप YouTube पर भी हैं? हाँ, अभी हूँ नहीं, अभी आने वाली हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। थोड़े दिन में आपको YouTube पर भी मैं दिखाई दूंगी। आप एक बार फिर वो बता दीजिए, रेशियो कितना रखना है गुड़? एक सब माप एक साथ एक इक्वली रखना हुआ है। एक कटोरी आप घी लेते हैं तो एक कटोरी आप बेस आटा लेंगे, एक कटोरी घी, एक कटोरी आटा और एक कटोरी गुड़, तीनों को एक एक कटोरी ही लेना है। और पहले उसको घी को गर्म करना है, घी गर्म हो जाता है उसके बाद हम उसमें डालेंगे आटा, और आटा को अच्छी तरह से उसमें भून लेंगे जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप फेसबुक पे किस नाम से हैं? श्री कृष्ण नमकीन एंड स्वीट्स के नाम से हूँ। क्या आप हाउसवाइफ हैं? हाँ, घर से ही सब कुछ बनाकर कर रही हूँ ना। तो फिर एक कटोरी लिया हमने। ओके, नमस्ते, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।